हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इससे पहले आपके हिंदी के टीचर द्वारा लेसन वन आपको करवाया जा चुका है। लेसन सेकंड कृष्णा सोबती का बचपन लेसन है। लेसन का नाम है बचपन। अपने कृष्णा सोबती एक राइटर रही हैं बहुत अच्छी हिंदी की, जो अपने बचपन के और आज के बचपन के बारे में कंपेयर कर रही हैं। पीछे उसका बचपन कैसा गुजरा वो आप पीछे के हमारे वीडियो में देख चुके हैं। उससे आगे उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कि याद रहे उन दिनों, कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। क्या थे? सिर्फ ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उन दिनों, कृष्णा सोबती के बचपन के टाइम। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम होगी, उनके बचपन में जो कुल्फ़ी थी आज आइसक्रीम बन चुकी है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदला, कचौरी समोसा था पर वो आज पेटीज बन चुकी है। शहतूत और फालसे, जो एक फल गांवों के अंदर पेड़ों के ऊपर लगने वाले फल हैं, और खसखस के शरबत कॉक पेप्सी हो गए। शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत, ये सारे क्या हो गए? कॉक पेप्सी हो गए। उन दिनों कॉक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी, यानी कॉक नहीं, वहाँ उस टाइम के ड्रिंक के नाम है ये। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी का मतलब मन को ललचाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन, हाँ चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागजों में से बनाई हुई इस पूड़ियाँ में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उबरता कोलाहल, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब।
उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों मामला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ पट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये कृष्णा सोबती ने बच्चों आप अपने जीवन के बारे में बताया है, और आज के जीवन में और उस समय के आज के बचपन और उस समय के बचपन के बारे में बहुत सा फ़र्क आ गया है, और कृष्णा सोबती ने इसे बड़े से अपने आप पर लेके बताया है। इसके कुछ क्वेश्चन आपको आपके टीचर करवा चुके हैं, आगे का होमवर्क आपकी ग्रुप में डाल दिया जाएगा।